नमस्कार मित्रों, चाणक्य एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सौनु हार्दिक स्वागत है। आज आप फरीवार गणित में आगे वधी रहा है। बीजो भाग भणवाना है, गुणोत्तर अने प्रमाण में बीजो। एटले आज आप प्रमाण पद से मेळवता शीखवाना छे। आप पहलो वीडियो है, खूब सारी रीते अभ्यास कर चूक्या छो। आपणे बीजा वीडियो तरफ आगे वधवाना छे। तो शुरू करिए, खास ध्यान शू राखवानुं छे कि प्रमाण पद में केवी रीते दाखला पूछाय। तो सौथी पहेलो दाखलो छे के चौथु प्रमाण पद मेळवो। आवो दाखलो होई शके, त्रीजो होई शके अने बीजो होई शके। एमां सौथी पहेला आपणे चौथु प्रमाण पद छे ए मेळवता शीखीए, बराबर छे। ओके, तो तमारी सामे पहेली ज रकम छे कि भाई आठ, बार अने सोळ नुं चौथु प्रमाण पद मेळवो, बराबर छे। ओके, हवे जो आपणी पासे कुल रकम केटली छे के त्रण, आठ, बार, सोळ। चौथी रकम आपने ख्याल नहीं तो ये आप लखी दी है एक्स। प्रमाण पद मेलव, खास समझो मित्रों, जराय मोटी बात नहीं। ध्यान शू राखवानू साहब, अहीं ध्यान खास जो जो पहलो अने छेलो आ बने गुणाकार करो, वच्चे ना बे नो गुणाकार करो। लो, सरल सादु रूप आपी दो, बार गुण्या सोल। आ आठ तमारी साथे गुणाकार में है तो क्या आवी जशे, भागाकार में। आठ दू सोल, एक्स बराबर बार गुण्या बे, बार बे चौबीस। तो आज रकम छे आठ, बार, सोल नु चौथु प्रमाणपद तमने मळी गयु, बराबर छे। खूब सरल छे मित्रों, ध्यान राखीशुं आपणे शुं करवानुं। अहींया सुधारी लेशुं चौथु पद एक्स, पहलो अने छेल्लानो गुणाकार बराबर वच्चेना बन्नेनो गुणाकार, सादुरूप जवाब तरफ, बराबर। बस दरेक वक्तनी जेम चौथा प्रमाण पद मेळवा माटे तमारे मने पाछो एक दाखलो गणी देवानो छे के चार, पांच अने बार नुं चौथु प्रमाण पद तमारे मने कॉमेंट में जवाब लखी देवानो छे, बराबर छे। खूब सरल छे, आप मित्रों छे जवाब कमेंट में आपो छो, अमने खूब गमे छे, जवाब आपवानुं चूकता नहीं, बराबर छे। ओके, बीजी रीत तरफ जोईए मित्रों, शू लख्युं छे आपणी पासे। अहींया चौथुं छे, हवे आपणे मेळवानुं छे त्रीजुं, के भाई दस अने वीस नुं त्रीजुं प्रमाण पद मेळवो। हवे शू करशुं के अहींया आपणी पासे रकममां दस अने वीस आव्या छे, त्रीजुं मेळवानुं छे। पण ध्यान शू राखवानुं, त्रीजा मेळवा माटे अहींया वीस पछी आ रकम छे ने बे वार लखो, एटले वीस फरीवार अने छेल्लू शू लखी देवानुं एक्स। बस राबेता मुजब पहेला अने छेल्लानो गुणाकार दस गुण्या एक्स बराबर वच्चेना बेनो गुणाकार वीस गुण्या वीस। सादुरूप आपी दो एक्स, आ पद गुणाकारमां छे, आ बाजू आवशे बराबर नहीं तो भागाकारमां, वीस गुण्या वीस छेदमां दस, दस दू वीस, वीस गुण्या बे चालीस। आ पण सहेलुं छे, ध्यान शुं राखवानी, त्रीजुं पद ज्यारे तमने मांगे त्यारे तमारे आ पदने केटली वार लखी देवानुं छे, बे वार, बराबर छे, क्लियर। ओके, तो आना माटे जवाब क्यो जोई के पांच अने पांच अने पंदर नुं त्रीजुं प्रमाण पद जवाब आपो कॉमेंटमां, बराबर छे, सेने सहेलुं। ओके, हवे आगळ वधीए। मोस्ट आईएमपी कही सकाय परीक्षा में मोटा भागे आ दाखलो पूछाता है कि भाई बीजो प्रमाण पद मेळवो। मोटा भागे शब्द वपराय छे परीक्षा में गुणोत्तर मध्यक मेळवो, बराबर छे। आपणी सामे एनी रकम छे कि पांच अने पिस्तालीस प्रमाण में होय तो तेनुं मध्यम पद मेळवो। तमने एवुं कहे कि भाई बीजो प्रमाण पद, गुणोत्तर मध्यक के मध्यम पद, रकम पूछवानी वात अलग छे, दाखलो गणवानी रीत खूब सहेली छे, एक ज बराबर छे। हवे तमे समझो कि अहींया केटला छे, पांच अने पिस्तालीस, कयो पद मेळवानुं छे आपणे बीजू। तो हुं नाम लखीश, ध्यान राखीशुं के पांच बीजू पद के साहेब आपणने ख्याल नथी तो एने शुं लख्यो एक्स। आ पदने फरीवार लखवुं पड़शे एक्स अने पिस्तालीस, रीत एक ज, छेल्लो अने पहेलानो गुणाकार पांच गुण्या पिस्तालीस बराबर आ बन्नेनो गुणाकार एक्स गुण्या एक्स, एटले एक्सनो शुं थई जशे वर्ग।
पांच अने पिस्तालीस एमनाम आ वर्ग छे आ बाजू आवे तो शू थई जशे वर्गमूल बराबर खाली एक्स। हवे जुओ पांच गुणिया पिस्तालीस करवा न जवाय, सरल कराय कई रीत पड़े आपने तो आ छे ने हूँ थोड़ा भाग पाड़ी दू, पांच गुणिया पिस्तालीस ने हूँ आम लखी दू, पांच गुणिया नौ, नौ पंचा पिस्तालीस थी गया। हवे जुओ पांच गुणिया पांच एटले पच्चीस ने पच्चीस नु वर्गमूल काढो तो केटलू वधशे पांच, त्रण नो वर्ग केटलो छे नौ। बस तमे जवाब सुधी पहोंची गया, पांच तेरी पंदर, बस आ तमारो आंसर बराबर छे। आ दाखलो परीक्षा में पूछाय छे, आवो पूछाय सके, तमारे ध्यान शुं राखवानुं, जो आम सहेलू छे तमारे सीधू गणवुं होय तो अहींथी पण गणी शको કે આ બંનેનો ગુણાકારનું શું લઈ લેવાનું વર્ગમૂળ। તમે ઘણી ટેક્સ્ટ બુકમાં આ રીતે પણ જોતા હોય કે b ઇઝ ઇક્વલ ટુ વર્ગમૂળમાં ac બરાબર છે। બીજું પદ મેળવવા માટે પહેલા અને ત્રીજા પદના જે ગુણોકાર છે એનો કરીને વર્ગમૂળ તમે મેળવી શકો બરાબર। પરીક્ષામાં પૂછાયેલો દાખલો નવ અને પચીસનો ગુણોત્તર મધ્યક મેળવો, લગભગ એકથી બે વાર આ પૂછાઈ ગયો છે, ફરીવાર તમારે આ દાખલાનો જવાબ મને કોમેન્ટ સ્વરૂપે આપવાનો છે બરાબર છે। આપ ગુણોત્તર પ્રમાણમાં આ રીત છે એ હવે ખૂબ સરળતાથી ગણી શકશો બરાબર છે। ઓકે ખાસ મિત્રો, બીજી એક જાહેરાત કે આપણે આવતા અઠવાડિયાથી લાઈવ કરવાનો પ્રયત્ન કરવાના છીએ, તો લાઈવ જે સિરીઝ શરૂ થઈ રહી છે એમાં આપણે કયો વિષય ભણવાની શરૂઆત કરવી છે એની કોમેન્ટ ચોક્કસથી કરશું। આજે આટલું જ, ફરીવાર મળશું આવતા વિડીયો માટે, થેન્ક યુ।